दोस्तों, कुंड न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार। सावन मास में कांवड़ियों का आना शुरू हो गया। पाइपलाइन मार्ग पे जो कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है, ये वर्षों से लगाते हुए आए हैं, कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। आइए बात करते हैं, कांवड़ियों से कहाँ से आ रहे हैं और इनका कहाँ इनको जाना है और कितनी तारीख से ये चले और कब तक ये अपने क्षेत्र में पहुँचेंगे, बात करते हैं। क्या नाम आपका? रफीक। रफीक कहाँ से आ रहे हैं? गंगोत्री से। तो आप मुस्लिम हैं? ना। तो रफीक नाम ये सब ऐसे रखा है। हिंदू है। अच्छा, हिंदू ही हैं। तो कहाँ जाएंगे आप? अलवर। अलवर जाएंगे। तो कब चले थे वहाँ से गंगोत्री से? 23 तारीख को। 23 तारीख को चले थे। तो कब तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे अलवर? अपने 10 दिन बाद। 10 दिन तक आप अलवर पहुंच जाएंगे। ये भाई साहब आपने ऑन तो किया नहीं। ऑन था ये? अरे नहीं यार, कांवड़ शिविर का आज उद्घाटन हुआ है। आयोजक आए हुए हैं, आयोजक से बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था इन्होंने यहाँ कांवड़ शिविर में की हुई है। इसके लिए आज बात करते हैं समाज सेवी बोबी पंडित, इसके विषय में क्या बताएंगे, आइए बात करते हैं। जो आपने इसका आयोजन किया हुआ है, क्या क्या सुविधाएं कांवड़ियों के लिए आपने की हुई है, इसको थोड़ी जानकारी दी। यहाँ पे जो हम पिछले लगभग 15 साल से इस भंडारे को चला रहे हैं और इसमें हमने इनके लिए खाने की व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था, चाय 24 घंटे चलती है, खाना 24 घंटे चलता है, खाने में कच्चा खाना और पक्का खाना दोनों की व्यवस्था की गई है भोलों को लिए, और मेडिकल कैंप की व्यवस्था है भाई, जो भोलों के लिए कोई दिक्कत है एम्बुलेंस की व्यवस्था है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम भोलों को दे सकते हैं उतनी सुविधा हमने भोलों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है और हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी सेवा भोलों की कर सके अपना, जिससे भोलों को ज़्यादा से ज़्यादा यात्राओं की सुगम हो जाए, सरल हो जाए। आज इसका उद्घाटन किया गया था जी, आज इसका जो है विधिवत उद्घाटन किया गया है। कांवड़िया तो कल से ही आ गए थे लेकिन आज दोज का दिन होने से आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है और प्रसाद वितरण के साथ आज से कांवड़ शिविर शुरू हो गई। ये पाइपलाइन मार्ग पे जो कांवड़िया जाते हैं, लगभग कितने कांवड़िया प्रतिदिन आ जाते हैं? इसकी कोई संख्या नहीं है जी, लेकिन लगभग मान के चलो कि एक दिन में लगभग लगभग 15,000 से 20,000 कांवड़िया निकलेगा सुबह से शाम। ये कांवड़ियों के लिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था की हुई है, रसोई बनाई हुई है जिसमें जो है 24 घंटे भंडारा चलता है। कांवड़ियों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम भी किया जाता है, जो अभी बॉबी शर्मा जी ने बताया था।